नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं अभी की खास खबर। दोस्तों, अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये जगह है पापड़ी तालाब। ये देख सकते हो, पापड़ी तालाब है और वसई का ये बहुत जूना तालाब है। आज यहां एक हादसा हुआ है और काफ़ी दर्दनाक हादसा है। एक छोटी बच्ची की जान उस हादसे में गई है। आप ये देख सकते हैं, इस तरफ आपको मेरे दाईं तरफ ये एक गेट दिखाई दे रहा है। ये गेट टूटा हुआ गेट है, ये लंबे समय से टूटा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। महानगर पालिका की लापरवाही कितनी है वो आप देख सकते हैं। इस गेट को सहारा लेकर एक 4 साल की 5 साल की बच्ची खड़ी थी, ऐसा बताया गया है। यहाँ के भी प्रत्यक्ष दर्शन ऐसा बताया है कि इसको सहारा देकर खड़ी थी, तो वो गेट उस बच्ची के ऊपर आ गिरा और जिससे उस बच्ची की मौत हो गई। 4 साल की बच्ची मर गई, यानी कि ये गेट मौत का गेट आप इसको बोल सकते हैं, लापरवाही का गेट बोल सकते हैं। इस मौत का जिम्मेदार कौन, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। है बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ चीज़ें चोरी होती है, चोर भी सक्रिय होते हैं, उनकी भी कारनामे हो सकते हैं, लेकिन क्या महानगर पालिका उनकी आंखें बंद है? क्या यहाँ से महानगर पालिका अधिकारी आते जाते नहीं है? ये गेट ही नहीं, हमने वहाँ उस तरफ का गेट कभी हमने मुआयना किया, वो भी टूटा हुआ है। उस पीछे की तरफ का गेट है, वो भी टूटा हुआ है। ये क्षेत्र है राम मंदिर क्षेत्र है जहाँ पर यह हादसा हुआ है। इस तालाब के 4 दिशा में 4 अलग अलग गेट है, तो लगभग हर तरफ यही हालत है। ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी बराबर नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ऊपर नीचे बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका को अपने तालाबों की दशा सुधारनी होगी। आज इस हादसे में एक बच्ची की मौत हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। किसकी मौत इतनी सस्ती नहीं हो सकती है। वसई विरार महानगर पालिका मौत का सौदा बंद करे। फिर से आपको बता दूं कि ये गेट वो है जिस गेट को लेकर हादसा हुआ। आप ये खून के धब्बे भी देख सकते हैं। ये हादसा लगभग आज शाम के 5:45 के करीब हुआ है और उस हादसे में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई। इस बारे में यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ कहा, हमने जो बात उनसे की वो आप आगे वीडियो में देखिए। बने रहिए हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? देवी प्रसाद जायसवाल। देवी प्रसाद, क्या हादसा वो बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं अभी इधर से थोड़ी कुछ 5:45 या 6 बजे के करीब मैं जब घर से इधर से ऐसा पास हुआ, उधर जिस उधर गया बैठा, कान में एयरफोन था, बट जैसा उधर गया बैठा ना, तो इधर से आवाज़ आई। मतलब इधर दो पब्लिक बैठी थी थोड़ी, इधर के ही लोग, तो उन लोग भाग के गए, तो मुझे लगा कि उधर से आवाज़ सुन, मुझे लगा कोई तालाब में गिर गया, तो इसी वजह से मैं उधर से ही ऐसा गया, तो देखा तो वो बच्ची छोटी सी कुछ 4 या 5 साल की थी, वो गिर गई थी उधर, उसके यहाँ पे चोट आई थी। मे बी वो ये गेट है ना उस पर लटक रही थी, मैंने ठीक से देखा नहीं इसलिए नहीं पता, पर बोल रहे कि वो गेट गिर गया, उस पर वो लटक रही थी शायद से, तो उसको यहाँ पे मतलब लग गया, इधर से उसका इतना स्किन पूरा निकल गया और ब्लीडिंग हो रहा था उसके नाक में से, मुँह में से, सब जगह से, इसलिए मे बी उसको ब्लॉकेज हो गया होगा सांस लेने में, इसलिए मतलब उसकी कुछ दादी थी और उसकी छोटी बहन थी, तो वहाँ से मैं उधर गया, तो एक मेरा दोस्त था और मेरी गाड़ी उधर ही थी, तो मैंने वो बोला कि गाड़ी लेके आ फटक से, तो कोई था नहीं ऐसे गाड़ी ही लेके, तो मैं बोला मेरी गाड़ी का चाबी ले ले उधर से, और उसको बोला चाबी ले, और वो उसकी दादी को बिठाया, उसको मैंने उसके बच्चे दे और वो लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में। तो मतलब थोड़ी क्या परिस्थिति हो बच्ची की किधर अभी, तो मैंने मतलब फ़ोन करके पूछा कुछ आधे पौने घंटे में, तो वो बोला कि ऑफ हो गई थी, उधर ही ऑफ हो गई थी, क्योंकि उसे मतलब चोट लगी, तो वो ब्लीडिंग एक्चुअली जहाँ से अपन सांस लेते हैं वहीं से वो ब्लीडिंग हो रही थी और मुंह में से, तो उसकी वजह से मैं भी उसको तकलीफ हो गया, वो इधर ही में भी शायद से उधर ही उसकी जानकारी है। वो किसकी बेटी थी, क्या नाम? नहीं उतना नहीं, इतना नहीं पता। ओके, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दर्शन बागेर है। इधर क्या हादसा हुआ था? एक छोटे बच्चे के ऊपर गेट गिरा। कितने बजे की घटना है? अभी लगभग 5:45 तक की। कैसे गिरा गेट? कुछ मालूम नहीं, मैं जस्ट गाड़ी लगाया और उधर बैठा, मेरे फ्रेंड की गाड़ी लगा के, और जैसे ही मुझे आवाज़ आया सब जन इधर से भागे, तभी मैं उधर के दौड़ के आया और देखा तो लड़की के ऊपर गेट गिरे थे।
अच्छा, वो बच्ची कौन थी? कुछ बच्ची मालूम नहीं, इधर किधर के रहने वाली थी। फिर क्या हुआ बच्ची भी, परिस्थिति कैसी बच्ची की? बच्ची तो बोल नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी डेट हो गई थी उसकी। हाँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ? हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं चिल्ला रहा डॉक्टर नर्स करके, तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उधर से। मतलब एक मेरे ख्याल साइड से एक डॉक्टर उधर चाहिए इमरजेंसी के लिए, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। आपका कहना है कि होटल में भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे? नहीं थे, मतलब थे मगर उन लोग को ओपीडी चालू थी। मैं इतना चिल्ला रहा था इमरजेंसी करके भी कोई भी नहीं था। बाद में आए शायद, कितना टाइम बाद में वो अटेंड किया? 10-5 मिनट बाद आए गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेंद्र सुरेश घाटाल है। ये गेट कब से टूटा हुआ? मैं आज इधर ही रहता हूँ राम मंदिर में, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये गेट ना पहले से इधर लगेला था और साइड में भी रखा था, लेकिन इधर के आदमी लोग क्या करते हैं कि ये गेट बाहर निकालते अंदर डालते, बाहर निकालते अंदर डालते, ये गाड़ी आगे पीछे करने के लिए अंदर बाहर करते हैं ये लोग। और कितना बार हम लोग ने साइड में रखा था, लेकिन इधर के क्या करते हैं आदमी लोग अंदर वाले कि ये इधर से गाड़ी ना जाए, इसके लिए गेट पूरा अंदर इधर बीच में रखते हैं। तो महानगर पालिका ने हटाया नहीं गेट, वो टूटा है अभी तक तो इधर आती है नहीं महानगर पालिका, हटाया नहीं। और वो कब से उधर ही है, वो भी कितने जन को लगा है ये जो हाथ रखा है उसने? वो गेट है ना टूटला का सगा तो अगोदर पासून तुटलेला भरपूर आटे गंदत। ये देख सकते हैं ये भी जालियाँ जो है वो टूटी हुई है, यानी कि पूरा ये पापड़ी तालाब मेंटेन है ही नहीं, महानगर पालिका ने इसको मेंटेन किया ही नहीं है। हालांकि यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ लोग चोरी की नीयत से भी इनको तोड़ कर जाते हैं। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।